assalamu alaikum students hope you will be fine safe and sound today we are going to discuss ideological basis of pakistan your book is pakistan studies for class 9th gfh publishers open your book chapter 1 page number 1 Ideological basis of Pakistan. First of all, we will read and then I will uh, translate it into Urdu. And hope you will listen carefully. Ideological basis of Pakistan. Pakistan came into existence on 14th of August 1947. There is a word existence which means Wajudmyana. Wajud During the 20th century, many nations got freedom, freedom, Azadi, and many free and independent states emerged. On the map of the world, emerged means, zahir hona ya ubarna. Pakistan is also one of those countries, but the foundation of Pakistan was altogether unique and unprecedented. Pre unprecedented means, Benazir, Bemisal most of the countries got freedom on racial racial means nasli Buniyat par yani nasal ko race race raceal. nasal nasli Buniyat par linguistic zuban territorial Geographia basis Bunyat pakistan is the only country which came into being on the basis of a strong ideology दी बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान लाइज इन द रिजन ऑफ इस्लाम विच प्रोवाइड्स गाइडेंस गाइडेंस जैसा आप जानते हैं रहनुमाई को कहते हैं टू द मुस्लिम्स इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ इस्लामिक वे ऑफ लिविंग इन कॉम्पाज इन कम्पाज मस घेराव करना या अता करना पोलिटिकल सियासी religious, mazhabi and economic, muashi fields, shobu, shobe. It is basic principles with reference to social, moral, political, religious, and economic fields. So, Islamic system, yani islami इस्लामिक सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन दी होली कुरान द सुन्ना ऑफ हज़रत मुहम्मद पीस बी अलैहि हीम वसलम एंड द हदीत दिस वेरी सिस्टम वाज़ डिक्लेयर्ड द बेसिस ऑफ पाकिस्तान ओके स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट इं टू उर्दू मैं आपको उर्दू में ये समझाने की कोशिश करूँगा जैसे कि आप सब जानते हैं आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान कब वजूद में आया था पाकिस्तान 14 अगस्त उन्नीस को वजूद में आया था और ये बीसवीं सदी थी और इस बीसवीं सदी में बहुत सी कौमों को आज़ादी नसीब हुई और कई आज़ाद और ख़ुद मख्तार दुनिया के नक्शे पर वजूद में आई और पाकिस्तान भी उनमें से एक है लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्कुल मुनफरिद और दूसरे ममालिक से जुदागाना थी मुख्तलफ थी बहुत सारे ममालिक नस्ल, जबान और इलाक़े की बुनियाद पर वजूद में आए थे पाकिस्तान वो वाद मुल्क था या है जो एक मज़बूत नजरिए के सबब वजूद में आया पाकिस्तान के नज़रिए इस दीन इस्लाम है असास मीन्स बेस दीन इस्लाम बुनियाद ठीक है बुनियाद है दीन इस्लाम पाकिस्तान के नज़रिये की बुनियाद या यासास दीन इस्लाम है जो मुसलमानों की ज़िंदगी के तमाम शोबों में उनकी रहनुमाई करता है इस्लामी निजाम हयात इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है यानी तमाम पहलुओं को वो सामने रख कर उन्हें तालीमत फ्राहम करता है किसी चीज़ को ये छोड़ता नहीं है ये माशरती मीन्स जिस मुआरे के अंदर हम उराफ रहते हैं इखलाकी सियासी मजहबी और शोबों के हवाले से बुनियादी असूलों का हामिल है इस्लामी निजाम कुरान पाक और नबी करीम सल्ह वसलम की सुनत और अहदीस पर इसतवार है यही निज़ाम पाकिस्तान की बुनियाद करार पाया समझिए इज इट क्लियर ओके डियर स्टूडेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस हाफिज़